उठो और तीनों का संरक्षक विपक्ष का नेता, तीनों का पैसा विपक्ष का नेता खाना खाता है। लड़की को रखता है उसका बड़का भाई, तो जो आरोप लगाया है बड़का भाई उसका रखे हुआ है। राजद के सबसे बड़े बालू माफिया और ये गुलाब यादव 300 करोड़ में जमीन लिया, इसकी जांच उत्तर प्रदेश और झारखंड। हमको तो समझ में नहीं आया हिंदू एक्ट में सिंदूर दे के ब्याह कैसे हो गया भाई, सिंदूर दे दिए ब्याह हो गया, ये तो पहला बार सुने हो, सिंदूर दे दिए ब्याह हो गया, सिंदूर मिटा दिए ब्याह खत्म हो गया। बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस पे एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। ये आरोप उनके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। आपको बता दूं कि लालू सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और राजद विधायक हसनपुर से उन्होंने उस महिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला ने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस ने उनके साथ दुष्कर्म किया और जब वो अपनी दुष्कर्म की बात महिला थाना जाके कंप्लेन करना चाहती थी तब उस पर उन्होंने किस तरीके से उनका दबाव बनाया और चीज़ों को कैसे मैनेज की जाए, उन सभी चीज़ों को लेकर महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उसके बाद आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव का क्या कहना था सुन लेते हैं। मैं लालू यादव जी से आज जानना चाहूंगा, आपके पास हीरा मोती सब लोग थे, इस बिहार में जादवों ने बीपी मंडल को, भूपेंद्र बाबू को, दरोगा राय को, राम लखन सिंह यादव को, रामजपाल बाबू को, अनुपलाल यादव को, ना जाने कितने हीरा मोती पैदा किए। आपके आने के बाद ये अरुण यादव, गुलाब यादव, राजबल्लभ यादव सब बलात्कारी क्यों पैदा हो रहा है? एक भी तीन ठो और तीनों का संरक्षक विपक्ष का नेता, तीनों का पैसा विपक्ष का नेता खाना खाता है। लड़की को रखता है उसका बड़का भाई, ये जो आरोप लगाया है बड़का भाई उसका रखे हुआ है, वही सब बेचारा करा रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है। चलिए सुबुद्धि दिया, नाम फंसा देगा पदाधिकारी का। मैं जानता हूं संजीव हंस को डीएम थे और नाम लेने लगेगा वो परिवार संजीव हंस का। मैं जानना चाहता हूं अभी कुछ दिन पहले सहारा इंडिया का जमीन राजद के सबसे बड़े बालू माफिया और ये गुलाब यादव 300 करोड़ में जमीन लिया, इसकी जांच उत्तर प्रदेश और झारखंड। दूसरा कोडरमा में 5 माइंस लिया है, उसकी जांच 5 माइंस दोनों मिलकर बालू माफिया जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है, बालू माफिया नाम नहीं ले रहा मैं उसका, दोनों मिलकर बालू का भी माइंस का भी। और ऐसे लोग हमको तो समझ में नहीं आया हिंदू एक्ट में सिंदूर दे के ब्याह कैसे हो गया भाई, सिंदूर दे दिए ब्याह हो गया, ये तो पहला बार सुने हो, सिंदूर दे दिए ब्याह हो गया, सिंदूर मिटा दिए ब्याह खत्म हो गया, सिंदूर दे दिए। तो विपक्ष के यहां पूरा फला फूला है, एक आठ तो नहीं है, ये हंडी में एक तो भात पका तो दिखा, ये लगभग बलात्कारियों का ढेर है। अभी बहुत उजागर होगा, शराब माफिया भी उजागर होंगे। हम जवाब चाहते हैं कि आपके यहां औरतों का सम्मान क्यों नहीं है, औरतों का ही बलात्कार क्यों, एक्सप्लॉयटेशन क्यों, और ऐसे लोगों को ही आप पैसा क्यों देते हैं, और आपका जो सबसे बड़ा चेता है उसके साथ मिलकर जमीन की खरीदारी, मांस की खरीदारी, बालू का ठेका, और आपके घर में रहता है। मैं इंक्वायरी चाहता हूं नीतीश कुमार जी से। आपने सुना सीधे तौर पे पप्पू यादव का कहना था कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल में
बलात्कारियों का एक अंबार आ चुका है। अगर राजबल्लभ की बात कर लूँ या फिर गुलाब यादव की बात कर लूँ, इन सभी को संरक्षण राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देते हैं, तो गंभीर आरोप तेजस्वी यादव पे पप्पू यादव ने लगाए हैं। वहीं उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि बड़ा भाई उस लड़की को रखे हुए है और छोटा भाई उन विधायकों को, उन पूर्व विधायकों को संरक्षण देता है जो बलात्कारी हैं। आपको बता दूं कि महिला ने सीधे तौर पर पूर्व विधायक गुलाब यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे दुष्कर्म का। वहीं अब जिस तरीके से पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए हैं कि वो संरक्षण देते हैं, वहीं तेज प्रताप यादव के लिए भी उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव उस महिला को रखे हुए हैं और जिस तरीके से न्याय दिला रहे हैं ये अच्छी बात है कि कम से कम उनको थोड़ी सद्बुद्धि आई और वो न्याय दिलाने निकल गए और अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दिए। हालांकि हम सीधी तौर पर उस महिला की न्याय मांगते हैं और जो लोग इसमें आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।